दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। प्रेमी के धोखे से गुस्सा है किन्नर ने सरेआम लगाई आग। डीएम ऑफिस के बाहर बड़ा कांड। नई दिल्ली राजधानी के उत्तर पूर्वी जिले स्थित डीएम दफ्तर के गेट पर उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक किन्नर ने लिव इन रिलेशन में रह रहे अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई से नाराज होकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित किन्नर की जान बचा ली। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके के रहने वाली शबनम नाम की किन्नर ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शबनम के अनुसार जीशान नाम का एक लड़का पिछले 6 सालों से उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लेकिन तकरीबन 2 महीने पहले किसी अन्य लड़की से शादी कर ली और उसके साथ रहने चला गया। डीएम दफ्तर के सामने आत्महत्या की कोशिश। जब शबनम ने इस बात का विरोध किया तो जीशान ने अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर शबनम की पिटाई कर दी और शबनम को जान से मारने की भी कोशिश की। इस बात की शिकायत शबनम ने थाना नंद नगरी पुलिस को दी। पुलिस ने शबनम की इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की तो शबनम ने डीएम दफ्तर के आगे आत्महत्या करने की कोशिश की। बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे राहगीर। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। गनीमत रही कि एक पुलिस का अधिकारी मौके पर पहुंच गया और उसने आत्महत्या कर रहे किन्नर को रोक दिया, वरना डीएम दफ्तर के सामने बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस पीड़ित किन्नर को अपने साथ थाने ले जाकर कार्रवाई कर रही है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।